नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और ये लाइव क्लिनिक है। तो चलिए लाइव क्लिनिक चालू करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो और ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो। जो आप देख पा रहे हो वो अच्छे से देख पा रहे हो, जो सुन पा रहे हो वो अच्छे से सुन पा रहे हो। नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है तो वहाँ पर जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, दो तरह से, नॉर्मल चैट और दूसरा सुपर चैट। दोस्तों, मैं हर दिन एक टॉपिक, एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देता हूँ और उसके बाद आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं जो देता हूँ, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं उसके आंसर देता हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। तो जो भी मैं मेडिसिन बताऊँ, आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि जो भी मेडिसिन बताऊँ उसे आप ज़रूर पढ़ें, समझें और फिर यूज़ करें। अगर नहीं समझ में आता तो आप जहाँ से वो मेडिसिन लेंगे उनसे ज़रूर समझिएगा। चलिए आज की मेडिसिन है गेरेनियम मैक्यूलेटम। दोस्तों, गेरेनियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इवन मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, मेरा इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड है गेरेनियम पे। और गेरेनियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है स्टमक अल्सर के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ज़रूर इस दवा को उपयोग करके आपको देखना चाहिए। अगर पेट में छाले हैं तो ज़रूर ये दवा यूज़ करें। इसके लक्षण हैं कि अगर आपके पेट में छाले हैं और आपको उल्टी सी हमेशा लगी रहती है, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। साथ ही साथ अगर स्टूल से थोड़ी सा आँव भी आए या कभी कभी रेडनेस भी हो तो भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। ब्लड भी आ रहा हो हल्का तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। गेरेनियम हमेशा स्टमक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियों में यूज़ करना चाहिए। इसका मदर टिंचर यूज़ करना चाहिए जो आपको दिख रहा है पिक्चर, और गेरेनियम मैक्यूलेटम आप मदर टिंचर में यूज़ करें। लगभग 20 से 25 बूंद आधे कप पानी में डालें और सुबह एक बार पिएं और शाम को एक बार पिएं। खाली पेट, भरा पेट, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खाली पेट पिएं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसा कि आपको बताया, और पेप्टिक अल्सर के लिए ज़रूर पढ़िएगा ये दवा। चलिए अब ये दवा, आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है और आपके क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट से, चैट ऑप्शन ऑन करते हैं और क्वेश्चन लेना चालू करते हैं। तो चैट ऑप्शन ऑन हो गया है और यहाँ पर भी मैं एक बार देख लूँ, हाँ चल रहा है, ऑन हो गया है और चलिए बढ़िया आ रहा है और आप लोग देख भी रहे हैं। यहाँ से भी चैट ऑप्शन ऑन कर लूँ तो चैट आप दो तरह से कर सकते हैं, एक नॉर्मल चैट और दूसरा सुपर चैट। दोस्तों, अगर आपको आंसर जल्दी चाहिए तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना होगा और हैश लाइक करके फिर आप क्वेश्चन करेंगे, लाइक करके फिर उसके बाद क्वेश्चन में हैश लाइक लिखें और आगे क्वेश्चन करें तो उसके आंसर आपको जल्दी मिल सकते हैं, या तो आप सुपर चैट करें। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और एक सवाल है, और पहला सवाल है एमडी यूनुस जी की तरफ से, सर फिस्चुला की दवाई। देखिए, फिस्चुला में मोस्टली हिपरसल्फ बहुत अच्छा काम करती है। मोस्टली मैं 200 CH पोटेंसी में दो बूंद सुबह सुबह अपने पेशेंट्स को देता हूँ और कैलकेरिया सल्फ 200 दो बूंद शाम को देता हूँ। साथ ही साथ एसिड नाइट्रिक 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम देता हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ज़रूर ये मेडिसिन हिपरसल्फ और कैलकेरिया सल्फ यूज़ करके देखिएगा। फिस्चुला पे मेरा वीडियो है, ज़रूर आप देखिएगा। एक सवाल है, सर अपॉइंटमेंट लेना बंद कर दिया है क्या? देखिए, मैं पहले भी अपॉइंटमेंट नहीं लेता था और अब भी नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ ईमेल या व्हाट्सएप पे आप अगर क्वेश्चन कर देते हैं और वो अगर मैं देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप और ईमेल आते हैं इसलिए सबका आंसर देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लगभग 40-50 ईमेल और 40-50 व्हाट्सएप के आंसर हम लोग देख पाते हैं। तो
आप ईमेल और व्हाट्सएप करके एक बार ज़रूर देखिएगा। ईमेल आईडी मेरा यहाँ पर चल रहा है kirtivikramsinghparihar@gmail.com। पहले भी नहीं लेता था, अभी भी नहीं लेता हूँ, और अगर मेरे नाम से कोई ले रहा है तो अपॉइंटमेंट मैं नहीं है, वो मैं नहीं। एक सवाल है सर, माई मदर हैव अल्सरेटिव कोलाइटिस इन लार्ज इंटेस्टाइन, वॉट शुड आई डू। देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी गेरेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, एक बार ज़रूर दें। गेरेनियम मैक्यूलेटम लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दीजिए। हाइड्रस्टिस मदर टेंचर लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दीजिए। और मक्सॉल 200 दो बूंद सुबह सुबह, नक्स भूमिका 200 दो बूंद शाम को। ये दवा बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हैश लाइक ज़रूर लिखें, जिससे आपको आंसर जल्दी मिल सके। एक और, अगर और जल्दी चाहिए तो आप सुपर चैट कर सकते हैं। एक सवाल है अरिहंत जी के तरफ से, सर हैश लाइक सर मेडिसिन फॉर म्यूकस इन स्टूल। देखिए म्यूकस इन स्टूल के लिए मोस्टली मर्कसॉल 30 दो बूंद सुबह सुबह, नक्स भूमिका 30 दो बूंद शाम को यूज़ करें, और हाइड्रस्टिस मदर टिंचर लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। ये मेडिसिन आप एक महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल हैश लाइक करके आप लोग लिख नहीं रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। एक टेंगो जी का सवाल है, सर यू सजेस्ट टू टेक लाइकोपोडियम 200 डेली 2 ड्रॉप्स फॉर गाल स्टोन, आई हैव अ गाल स्टोन एट किडनी सिस्ट एंड स्टार्ट टेकिंग लाइकोपोडियम डेली, क्या रोज़ लाइकोपोडियम 200 सेफ है। देखिए अभी तक तो मैंने जितने भी पेशेंट्स को ये मेडिसिन दी है कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो मेरे हिसाब से तो सेफ़ है। और गाल स्टोन में मेरा गाल स्टोन कॉम्बिनेशन, गाल ब्लड स्टोन कॉम्बिनेशन ज़रूर एक बार पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, और उसके बाद समझ में आए तो ज़रूर यूज़ करिएगा। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय गरम जी के तरफ से एक सुपर चैट है विदाउट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल है, सर माय कैल्शियम इज 7.2, आई फील बैक बर्निंग एंड सम डल पेन। देखिए कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, और सप्लीमेंट्स आप यूज़ करिए, आप ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन साथ में आप थोड़ा सा धूप में भी सुबह सुबह टहलें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कैल्केरिया फॉस होम्योपैथी में आती है, 6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं। एक सवाल है सर, सीवियर कैविटी इन खाने के दवाई बताएं। देखिए बहुत ज़्यादा अगर कैविटी है दांतों में तो प्लांटेगो मदर टिंचर, क्रियोसोट मदर टिंचर और बेलाडोना मदर टिंचर थोड़ा सा मिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके लगभग बराबर मात्रा में, और 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार इससे कुल्ला करें। और हेक्ला लावा टूथ पाउडर ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जयान जी का एक सवाल है, सर हैश लाइक सर 6 साल की बच्ची है और यूरिन में पस आता है। देखिए यूरिन में कितना पस आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन होती है, लेकिन अगर पस फॉर्मेशन है तो यूरिन इन्फेक्शन है। यूरिन इन्फेक्शन है तो 2 दवा दें, एक R1 डॉक्टर रेक्वेक की 10 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार, और R18 ये भी डॉक्टर रेक्वेक की आती है लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दीजिए, बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है राजीव सिंह जी का, सर मेरा कॉन्स्टिपेशन ब्रायनिया और प्लमम मेटेलिकम से ठीक नहीं हुआ है, देखिए कुछ दिन और ये दवा कंटिन्यू रखें ठीक होगा, ये दवा अच्छी है। सीवियर कैविटी इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ, और हैश लाइक लग करके आप लिखेंगे तो जल्दी आंसर मिलेगा, या तो आप सुपर चैट कर दीजिए। सर हाय सर, आई हैव हैड फ्रोजन शोल्डर, ये विजिया जी के तरफ से सवाल है, और फॉर अबाउट ईयर पेन हैज़ रिड्यूस बट नॉट एबल टू लेफ्ट माय आर्म। देखिए मुझे लगता है फ्रोजन शोल्डर की अगर समस्या है, हालांकि इस पे मेरा वीडियो है, ज़रूर वीडियो देखिएगा, लेकिन आर्निका 200 दो बूंद सुबह दोपहर शाम, साथ में रूटा 200 दो बूंद सुबह दोपहर शाम ज़रूर यूज़ करें, और साथ ही साथ आप
एक मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा काम करती है, स्पॉन्डिन ड्रॉप, तो लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार उसे भी लें। थैंक यू सो मच, और लाइक ज़रूर करिएगा। और आप सबसे ये गुजारिश है कि लाइक करें, और लाइक करने के बाद मैसेज करें तो आपके आंसर देने में मुझे ज़्यादा सहूलियत रहेगी, जल्दी दिखेगा। एक सवाल है सर, मेरा रेक्टम में जो है वो फ्लश इंक्रीज हो गया है, स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, एंड ब्लड कमिंग आउट आज लगभग 3 मंथ से ये प्रॉब्लम है। ये होम्योपैथिक लवर जी का सवाल है। देखिए, आप एस्कुलस मदर टिंचर और हेमामेलिस मदर टिंचर, जिसमें हेमामेलिस मदर टिंचर लगभग 60%, एस्कुलस मदर टिंचर लगभग 20% और पियोनिया मदर टिंचर लगभग 20%, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं, लगभग 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार लीजिए। साथ में आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 17 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, और एसिड नाइट्रिक 30 एस्कुलस 30 ये दोनों को मिला के 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए। मेडिसिन आप 15 दिन लें, आराम लगे तो फिर इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें। अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई भी लग्जेटिव ज़रूर लीजिएगा, जैसे कि होम्योलैक्स टैबलेट या वायलैक्स टैबलेट या होम्योकेल टैबलेट और होम्योलैक्स पाउडर भी आता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एक सवाल है, और ये भी सुपर चैट है छाए जी की तरफ से, सर वेरिकोसील की प्रॉब्लम है और बहुत दिनों से परेशान है। देखिए, वेरिकोसील पे मेरा वीडियो है, मोस्टली इसमें R42 बहुत अच्छा काम करती है। R42 10 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, और साथ में आप हेमामेलिस 30 2 बूंद सुबह सुबह और कैल्केरिया फ्लोर 6 एक्सपोटेंसी में 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल है, नेक्सवोमिका क्यों Y30 Y200 वीकेंड में नॉनवेज और ड्रिंक हो जाता है और नेक्स्ट डे नेक्सवोमिका लेता हूँ, अवॉइड हैंगओवर। देखिए, सबसे पहले नेक्सवोमिका क्यों सही नहीं है, और मैं कभी किसी को ये बताता नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नेक्सवोमिका क्यों नुकसान करती है, तो नेक्सवोमिका क्यों बिल्कुल न लें। 3200 में बेटर है कि 30 यूज़ करें नेक्सवोमिका 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्सवोमिका मदर टिंचर ले रहा हूँ, क्या वो सेफ़ है? आप खुद ही गलत दवा ले रहे हैं, नेक्सवोमिका मदर टिंचर सेफ़ नहीं है और उससे नुकसान हो सकता है। बहुत हल्का मात्रा में लेने से वैसे नुकसान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी क्यों लें हम, हमारे पास नेक्सवोमिका 3200 1 ml आप डाइल्यूशन में कितना भी लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मदर टिंचर में लेंगे तो नुकसान हो सकता है। एक सवाल है, माय मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर और नोड्यूल इन द नेक एंड हर थायराइड इज़ नॉर्मल। देखिए, आयोडम 200 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें, और साथ में कैल्केरिया फ्लोर 6 एक्सपोटेंसी में 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, और R51 10 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार लें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अभी लगभग 117-118 लोग देख रहे हैं, लाइक 95 हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज लगता है कि काफ़ी लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है, इसलिए थोड़े से लोग कम हो गए हैं। और एक सवाल है विपुल जी का, हैश लाइक सर, डॉक्टर सर, आई हैव अ ब्लड इन यूरिन प्रेजेंट टू काइंडली एडवाइस। देखिए, यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है और 2+ है तो आपको मोस्टली यूरिन इन्फेक्शन ही होगा, और ऐसे में हेमामेलिस मदर टिंचर, कैंथेरिस मदर टिंचर और बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, ये तीनों मिला के आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्सवोमिका क्या करती है सर? ऐसा स्टमक में जो कि अल्सर इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन में ठीक करती है, माय मदर टेकिंग। देखिए, नेक्सवोमिका एक्चुअली में अल्सर्स को हील करती है, बहुत पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, तो इन्फ्लामेशन को कम करती है मोस्टली, और साथ ही साथ SCL अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो उसे भी ये कम करती है। तो पैथोलॉजिकली देखा जाए तो अगर SCL स्टमक में ज़्यादा सिक्रेट होता है तो उसे कम करती है, और थोड़ा सा बेस
जो एंजाइम्स हैं उन्हें भी बढ़ाती है, लीवर में भी ये असर करती है, क्योंकि ये बहुत पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है तो लीवर में भी असर करती है और लीवर के भी काफ़ी अच्छे अच्छे एंजाइम्स जो हैं अगर वो कम हैं तो उन्हें भी बैलेंस करती है। तो इसलिए नक्सोमिका ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आपको मोस्टली पेट संबंधित समस्या है। तो एक सवाल है और सवाल है सर हैश लाइक सर IBS की मेडिसिन कौन सी लूँ। देखिए IBS पे मेरा वीडियो है, आप देखिएगा, लगभग सेम मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मेडिसिन एक महीने तक लीजिए, IBS में थोड़ा समय लगता है लेकिन अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यू आर अमेजिंग डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपको लंबी उम्र दे भगवान, थैंक यू सो मच। एक सवाल है और ये टेंगो 30 जी का सवाल है सर, CP चाइल्ड है और लगभग 14 साल का है, आपकी बताई हुई मेडिसिन दे रही हूँ, आपकी साल से अब एक साल से और OS को जो है जाते पार्टी में जाटकों के लिए मेडिसिन बताएं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे, आपकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। और एक सुपर चैट है और ये सुपर चैट है पारुल जी की तरफ से और विदाउट क्वेश्चन, और एक सुपर चैट है कुजी जी की तरफ से, क्वाजी जी की तरफ से, सर एक्सेस बॉडी और दिमागी थकान रहती है, मतलब फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, ओल्ड एज फेस लुक हमेशा बना रहता है और बार बार पेशाब आना और इसकी प्रॉब्लम है, एज लगभग 26 है। देखिए आप बायोकॉम्बिनेशन नंबर 28 यूज़ करें, 6 गोली सुबह दोपहर शाम, और साथ में अल्फा अल्फा मदर टिंचर, एवना सटाइवा मदर टिंचर और जिनसेंग मदर टिंचर, ये तीनों को मिलाएं बराबर मात्रा में और मिलाने के बाद 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। ये मेडिसिन आप 15 दिन लें, अगर आपको आराम लगता है तो फिर आप इसे 6 से 7 महीने कंटिन्यू करिएगा, धीरे धीरे आपकी समस्या सब ठीक हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा। एक सवाल है और ये सवाल है सर साजल मिश्रा जी का सवाल है, सर मुझे एसिडिटी की बहुत दिक्कत है और फूड पाइप में बर्निंग, यूरिन में बर्निंग होती है और आराम नहीं मिल रहा है, स्टूल पास में ब्लीडिंग भी होती है। देखिए आपको नक्सोमिका 32 बूंद शाम को यूज़ करना चाहिए और सल्फर 32 बूंद सुबह सुबह, साथ में आप डाइजेस्टो टॉनिक के ढक्कन सुबह दोपहर शाम पिए, और अगर ब्लीडिंग हो रही है स्टूल से तो हो सकता है कि पाइल्स हो या फिशर हो, तो ऐसे में आप एस्कुलस मदर टिंचर, हेमामेलिस मदर टिंचर और पियोनिया मदर टिंचर, ये तीनों को मिला के 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें। ये मेडिसिन आप एक महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आज थोड़े से लाइक कम है, एक मिनट, ये आज ये भी फोकस भी नहीं कर पा रहा है शायद, पता नहीं क्यों, तो थोड़े से लाइक कम है, ज़रूर लाइक करिएगा, आपके लाइक से बड़ा देख के अच्छा लगता है, एक ही चीज़ तो चाहिए होती है लाइक, तो ज़रूर लाइक करिएगा। और हाँ, लाइक करेंगे और हैश लाइक लिखेंगे तो आपको आंसर भी जल्दी मिलेगा। एक सवाल है और ये सवाल है सर सर्वाइकल की अच्छी मेडिसिन बताएं। देखिए सर्वाइकल में मोस्टली स्पॉन्डिन ड्रॉप बहुत अच्छी दवा है, स्पॉन्डिन ड्रॉप आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें। ये मेडिसिन आप एक महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। एक सवाल है सर फ्लूटिंग एंड ड्रॉपिंग इन स्टमक, देखिए मुझे लगता है कि बर्पिंग हो रहा है तो मुझे लगता है इसके लिए कैंट गैस कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, कैंट गैस कॉम्बिनेशन 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, और साथ ही साथ आप डाइजेस्टो टॉनिक 1 ढक्कन सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप एक महीने तक लीजिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरा एक वीडियो भी अपलोड होगा लगभग 7:30 बजे के करीब, तो ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। सर मेरा कॉन्स्टिपेशन, ब्रायनिया और प्लम्बम मेटेलिकम, ये तो मैं आंसर दे चुका हूँ। और सर लाइकोपोडियम टू ड्रॉप वर्क ऑन ED 200 NP, देखिए बिल्कुल अच्छा काम करती है, 2 बूंद रात में अगर आप यूज़ करेंगे तो। एक सवाल है तरुण जी का और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो रहा है, 10 ईयर हो गए हैं। देखिए यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में थोड़ा समय लग सकता है, आप 10 ईयर से तो
मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन अब आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ करके देखें, मेरा इस पे वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। लगभग सेम मेडिसिन आपको लेनी है, मोस्टली क्लेमेटिस एरेक्टा ज़रूर यूज़ करें अगर आपको यूरेथल स्ट्रक्चर है। क्लेमेटिस एरेक्टा 200 दो बूंद सुबह शाम लें, और कैल्केरिया फ्लोर आप 6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह दोपहर शाम ज़रूर यूज़ करें। और साथ ही साथ आप मोस्टली प्रोस्टिनम ड्रॉप भी अच्छा काम करता है, तो प्रोस्टिनम ड्रॉप आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक सवाल यहाँ से, दो सुपर चैट आए हुए हैं और एक सुपर चैट है एसके जी का। सर शिबाबा डॉग जो है शेकिंग हिज बॉडी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सराउंडेड बाय रेड हार्ट, डॉग की मेडिसिन शायद पूछ रहे हो, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। काली फॉस दे सकते हैं, वैसे काली फॉस 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम यूज़ करें, अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। कालीफॉस इसलिए क्योंकि वो जनरल नर्व टॉनिक है तो काम करेगी, बाकी मैं वेटनरी डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग क्वेश्चन तो कर देते हैं, डॉक्टर गेव मी रेटिना 10 mg फॉर दिस कंडीशन। देखिए रेटिना 10 mg आप ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो थोड़ी ब्लीडिंग भी हो रही है, इसलिए जो मैंने आपको दवा बताई है उससे अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। रेटिना 10 mg और हाई पोटेंसी में ज़्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशन हो तो तुरंत पैथोलॉजिकल कंडीशन में आराम नहीं लगता है, इसलिए थोड़ी सी लो पोटेंसी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, और अगर आपको आराम लगे तो ले सकते हैं वो भी दवा, और कुछ दिन तक अगर ले लिए हैं और आराम नहीं लग रहा है तो उसे बंद करके मेरी वाली ले लीजिए। मोस्टली ब्लीडिंग तो आपको आराम लग जाएगा, दर्द में भी आराम लग जाएगा, वो जो बाहर निकला हुआ है वो थोड़ा समय लगेगा ठीक होने में। एक सवाल है, और नींद नहीं आती है लगभग 4 साल से, लीवर की प्रॉब्लम है एज। देखिए नींद नहीं आ रही है तो आप रेस्क्यू रेमडी 30 और एकोनाइट 30 दोनों को मिला के 2 बूंद सुबह शाम यूज़ करें, और साथ ही साथ आप पैसिफ्लोरा मदर टिंचर लगभग 20 बूंद आधे कप पानी में रात में एक बार लें, और कालमेक ड्रॉप आता है लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी लाइक 153 हो गए हैं। सर कृष्णा जी का सवाल है, हैश लाइक सर वाइट हेयर हो रहा है यंग एज में। देखिए अगर प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या है तो लाइकोपोडियम 200 दो बूंद सुबह सुबह हर संडे और वेनेसडे यूज़ करें, और साथ ही साथ आप एसिड फॉस मदर टिंचर ज़रूर लें। एसिड फॉस मदर टिंचर आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छी मेडिसिन है, ज़रूर यूज़ करके देखें। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल है अर्पणा जी के तरफ से, सर निकल गया, चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी निकल जाता है। हैश लाइक करके आप लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, एक मिनट। हैश लाइक सर माय वाइफ इज़ 42 ईयर ओल्ड, ये डॉक्टर प्रताप सिंह जी का सवाल है। उनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में कॉलीलिथियसिस मॉडरेट साइज़ जो है वो 12.8 mm का कैलकुलस सीन इन द गॉल ब्लडर विथ क्रॉनिक कॉलीसिस्टाइटिस। उनकी एज कितनी है? 42, माइल्डली थिक भी है। डॉक्टर साहब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1 महीने सिर्फ दवा यूज़ करके देखें, अगर आराम लगे तो कंटिन्यू करें, नहीं तो ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि थोड़ा सा कॉलीसिस्टाइटिस है और थोड़ा सा मतलब अगर ज़्यादा दिन में आराम ना लगे तो उसको ज़्यादा दिन तक रखें ना, ऑपरेट करवा लें। तो मोस्टली मेरा गाल ब्लड स्टोन कॉम्बिनेशन आप वीडियो देखिएगा, और 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिएगा। कोलेस्ट्रोडिनम 3x ट्राइचुरेशन टैबलेट में 2 गोली सुबह दोपहर शाम चूसिएगा। चाइना 200 दो बूंद सुबह सुबह, और साथ ही साथ फेल्ट यूरी
3x टाइचुरेशन टैबलेट में दो गोली सुबह दोपहर शाम, ये मेडिसिन एक महीने तक दीजिए और उसके बाद फिर सोनोग्राफी एक डेढ़ महीने बाद कराइए। अगर कम होता है साइज़, मतलब 12 से अगर 6 या 7 आ जाता है तो फिर आप मेडिसिन कंटिन्यू करिएगा, और अगर नहीं आता है तो ऑपरेट करा लीजिए। एक सवाल है, और ये सवाल है सर, #लाइक सर यार, यूफ्रेशिया Q5%, सिनेरिया मार्टिमा Q5% और गुलाबजल 90% आई ड्रॉप बना सकते हैं? देखिए 5% बहुत ज़्यादा है, आँखों में बहुत लगेगा, इसे 1% से कम रखें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 5-5% अगर आप यूफ्रेशिया की और सिनेरिया मार्टिमा क्यों डालेंगे तो आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होगी और वो फिर डाल भी नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि गुलाब जल आप 100 ml लेते हैं गुलाब जल, तो उसमें मोस्टली 10 से 15 बूंद यूफ्रेशिया और 15-20 बूंद सिनेरिया मार्टिमा क्यों डालिए, अगर सिनेरिया मार्टिमा क्यों है। हालांकि आजकल सिनेरिया मार्टिमा क्यों अब नहीं लेंगे तो एक तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो सही नहीं मिलेगी, क्योंकि सिनेरिया मार्टिमा शायद बन नहीं रहा है, मतलब उसका प्लांट मिल नहीं रहा है, इसलिए सिनेरिया मार्टिमा का आई ड्रॉप भी नहीं आ रहा है। हालांकि क्या कॉज है कि आई ड्रॉप नहीं आ रहा है ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से मैंने बात की है, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह इन सबसे, तो पता चला है कि जो प्लांट है वही नहीं मिल रहा है कंपनी को। तो अच्छी बात है, अगर प्लांट ना मिले और दवा ना बने तो ये अच्छी बात है, प्लांट ना मिले और दवा बन के आ जाए तो वो बेकार बात है। तो अगर आपको पुराना है आपके पास सिनेरिया मार्टिमा क्यों, तो ज़रूर यूज़ करें। नया अगर अभी का कोई डेट का आ रहा है तो ज़रूर उसे ध्यान दें कि वो सही है कि नहीं। एक सवाल है, और ये सवाल है सर, गाल स्टोन है और इसकी प्रॉब्लम है सर, लाइकोपोडियम 200 डेली रात में लेना है या मॉर्निंग में? रात में ज़्यादा बेहतर है, गॉलब्लैडर स्टोन में भी काम करेगा थोड़ा मोड़ा। एक सवाल है, और ये सवाल है सर, ब्लॉटिंग एंड फूड नॉट डाइजेस्टेड, मोस्टली इसके लिए आप मेरा कैंट गैस कॉम्बिनेशन यूज़ कर लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। कैंट गैस कॉम्बिनेशन 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, और साथ में जॉन्डिला सिर्प 1 ढक्कन सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए, बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सुपर चैट और आया हुआ है, किनका है, गौतम कुमार जी का, विदाउट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट। एक सवाल है, और सवाल है सर, पीरियड्स बहुत कम होते हैं, मेडिसिन बताएं कितना कम? 2 दिन से, अगर 1 से 2 दिन हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मेंसोल सिरप ज़रूर पी सकते हैं, बहुत बढ़िया दवा है। मेंसोल सिरप लगभग 10 ml सुबह शाम पिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के बहुत बहुत धन्यवाद। रिजवान जी का सवाल है सर, #लाइक सर, सर गुटखा खाने की आदत है और आवाज़ भारी होने लगी है, दवाई बताएं? देखिए गुटखा छोड़ना पड़ेगा, और डेफने इंडिगा मदर टिंचर आप लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार यूज़ करें। मेडिसिन लगभग 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे, आराम क्या मतलब, थोड़ा तलब कम हो तो गुटखा छोड़ दीजिए और आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है शैलेश कुमार जी का, सर नमस्कार सर, क्या लिखा हुआ है, सिंड्रोम सहित जेनेटिक बीमारी को रोकने के लिए प्रेगनेंसी के पूर्व पति या पत्नी कौन सी दवा लेनी चाहिए, विस्तार से भी बताएं। शैलेश जी, ऐसा एक कोई मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन एक ही दवा मेरे दिमाग में हमेशा आ सकती है आपके क्वेश्चन को पढ़ के, वो है थूजा। तो थूजा एक बार ले सकते हैं, हालांकि ये तो प्रेगनेंसी के पूर्व लिखा है आपने, हाँ ये ठीक लिखा है, मतलब जब आप क्या बोलते हैं ट्राई करें तो उसके पहले थूजा ले लीजिए। तो एक सवाल है, और ये सवाल है, एक ही दवा मेरे को दिमाग में आ रही है आपके क्वेश्चन, हालांकि वो भी कितनी इफ़ेक्टिव होगी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दिमाग में तो एक ही दवा आएगी और वही है दवा।
तो वो यूज़ कर सकते हैं। एक ब्लर इफेक्ट आ जा रहा है पता नहीं कैसे, चलिए कोई बात नहीं। और वैसे भी अब समय हो गया है तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। और लेकिन आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसका वीडियो नहीं बना सकता मैं क्योंकि इसका प्रमाण मिलना बड़ा मुश्किल है। बिना प्रमाण के कोई वीडियो में बनाता नहीं हूँ, बाकी लोग बनाए मतलब नहीं। एक सवाल है, और सवाल है सर जी, एलर्जी के कारण कच्चा बलगम सा बना रहता है और ले रहा हूँ, हिस्टामिनम 200 ले रहे हैं, एलर्जी रक्षा बहुत। देखिए कच्चा बलगम अगर बना रहता है तो सल्फ़र भी लेके देख सकते हैं। सल्फ़र 32 सुबह सुबह हर संडे और वेनेसडे यूज़ करें, और साथ ही साथ इचिनेशिया मदर टिंचर लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें 15 दिन तक, और फिर ठीक लगे तो 15 दिन और ले लीजिएगा। तो दोस्तों आज का लाइव सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगा हो, ज़रूर लाइक करके जाइएगा। आज तौर से लाइक कम हुए हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा, और दोस्तों को ज़रूर बताइए। लाइव क्लिनिक अब डेली लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच में आइए, तो ज़रूर लाइव देखा करिए और लाइक करके जाइए, दोस्तों को बताइए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।